डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लगभग सभी बच्चों ने आज छोड़ी दी है कि शायद ही अब उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, लेकिन यहाँ पे एक अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू अपडेट जारी की गई है, यानी खबर जारी की गई है। और यहाँ पे ये खबर कब की जारी की गई है और काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स भी थे, कमेंट भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या अब किसी की स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। ये जो खबर यानी अपडेट जारी की गई है, खबर जारी की गई है, थोड़ी सी अच्छी खबर है और सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, थोड़ा सा उसमें मतलब संभावनाएँ हो रही है कि हाँ फिर स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है, जैसा कि अधिकारियों वगैरह को कहना है यहाँ पे भी। ठीक है, अपडेट कब की यानी खबर कब की जारी की गई है सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार, यही खबर आपको 4 तारीख को यानी लखनऊ सिटी, सीधे लखनऊ से अपडेट जारी, ये खबर जारी की गई है और इसी को मैंने यहाँ पे देख ले, इसी को मैंने जूम करके यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, लखनऊ सिटी से 4 तारीख को यहाँ पे दिख रहा है, यानी आज के डेट में ये खबर जारी की गई है। और यह ये जो खबर है आपके लिए किस तरीके से लाभदायक है अभी आपको नीचे मालूम चल जाएगा कि आखिर ये क्यों आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी अच्छी खबर हो। यहाँ देखिए, अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ से सीधे अपडेट है, खबर है, प्रदेश में अनुसूचित जाति के 2 लाख छात्रों की शुल्क भरपाई अब तक नहीं हो पाई है, जबकि भुगतान 31 मार्च तक होना चाहिए था, जैसे कि 31 मार्च उसके बाद से फिर से मई में भी डेट मिला था। छात्रों के खाते में 40% राज्यांश तो पहुंच चुका है पर केंद्र सरकार का 60% हिस्सा अब तक नहीं मिला है। आपको मालूम है कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी आती है उसमें 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहती है, मतलब आपकी स्टेट शेयर रहती है, और 60% जो राशि रहती है वो सेंट्रल शेयर की रहती है, यानी कि जो आपके सेंट्रल शेयर, जो आपके सीधे सेंट्रल शेयर से पैसा आता है वो 60% आता है और 40% आपके स्टेट शेयर से आता है। अब देखिए, इससे ये विद्यार्थी परेशान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 533 करोड़ रुपए 11.68 लाख पात्र छात्रों के खाते में भेज दिए गए। 9.68 लाख छात्रों के खाते में केंद्र सरकार ने अभी अपना 60% हिस्सा भेज दिया, लेकिन 2 लाख छात्रों को केंद्रांश का भुगतान अभी बाकी है। इन छात्रों को उम्मीद थी कि जून तक भुगतान मिल जाएगा, जिससे नए सत्र की पढ़ाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को मालूम है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, यानी कि गरीब बच्चे होते हैं, ऐसे कर लीजिए, उनको काफ़ी दिक्कत होती है जब उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है, क्योंकि वो अगले साल की फीस की भरपाई सही से नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह नहीं हो पाया है। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया, आप देखिए, समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल पर कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिससे इन छात्रों को अब तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई बार इस संबंध में मंत्रालय से बात भी की गई है, यानी कि इस संबंध में बात भी की गई है कि हाँ क्यों बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, पर समाधान नहीं हो सका है, अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। लेकिन इस पर चर्चा वगैरह चल ही रही है, जैसे कि आपको यह अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू अपडेट जारी की गई है, खबर जारी की गई है, तो अभी भी इस पर जैसे कि विशेष चर्चा होती है, मतलब कि इस तरीके के कि अभी बच्चे परेशान हैं और स्कॉलरशिप को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं हो रही होंगी, तो हो सकता है थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक यानी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या लगता है कि अब आपकी स्कॉलरशिप या फिर किसी की स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। और आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादातर जो बात होती है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ही बात होती है कि हाँ इनके इतने बच्चों का फंसा है, ये 2 लाख बच्चों का इनका नहीं आया है, लेकिन ऐसा हर एक कैटेगरी में है। जनरल की बात करें, OBC की बात करें या फिर SC ST की बात करें, सभी कैटेगरी में यही हालात है, लेकिन यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति के बच्चों की बात की रही है, मतलब स्पेशल बच्चों की बात की जा रही है। आपको मालूम है कि जो मतलब कि ऐसे होता है कि जो जनरल कैटेगरी के और OBC के बच्चे कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी उच्च कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसलिए उनकी जहाँ तक उम्मीद थी कि हाँ काफ़ी सारे बच्चों की भेज दी गई है, अब उनके आने के नाक बराबर चांसेस थे, लेकिन जो SC कैटेगरी के बच्चे थे उनका जून में भी आया था, जून या फिर मई के मतलब 1 तारीख को या फिर 10 तारीख को मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको, लगभग 10-15 दिन पहले। तो अब स्कॉलरशिप की राशि आती रही उस बीच भी, लेकिन केवल SC कैटेगरी के बच्चों की ही आई थी और किसी कैटेगरी के बच्चों की नहीं आई थी। तो SC कैटेगरी के बच्चों के लिए खास करके उनके लिए ही अपडेट है कि हाँ हो सके कि उनकी स्कॉलरशिप की राशि फिर से आ सकती है, अदरवाइज जो और कैटेगरी के बच्चे हैं उनके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह आएंगे, हालांकि अब 2022-23 के लिए भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, अभी कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए भरा जा रहा है, अब आपका भी भरा जाएगा, तो आप सभी बच्चे एक्टिव जरूर रहेंगे, जैसे ही फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे तुरंत आप फिलअप करेंगे, इस बार सबसे पहले फिलअप करेंगे कि सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि 2021-22 की राशि आपको मिल पाएगी या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स के लिए, एजुकेशनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।